भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज बात होगी खूनी रोड के बारे में, वही खूनी रोड जिस पर चलने से लोग कतराने लगे हैं, वो खूनी रोड जिस पर चलने के बाद में लोगों के अंदर डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा सा डंफर आए और उन्हें कुचल कर या फिर रौंद कर आगे निकल जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस खूनी रोड पर सरपट तरीके से बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े डंफर यहाँ से खूब दौड़ते हुए नजर आते हैं। लोग घर से आते तो हैं लेकिन वो कैसे वापस जाएंगे इसके बारे में उन्हें खुद पता नहीं होता। दरअसल आज जब हम लोग खूनी रोड से गुजर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि जो वहाँ के डंफर्स हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ दौड़ते हुए नजर आते हैं और यही वो डंफर्स होते हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर हादसे होते हैं, ज़्यादातर घरों के चिराग बुझ जाते हैं और न जाने कितनी ही ऐसी खबरें आती हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि ट्रक या डंफर की वजह से आज एक और बड़ा हादसा हो गया। आज एक बार फिर से कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज एक और फिर से ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे मेवात में शौक की लहर दौड़ गई है। आखिरकार ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक तो खूनी जो रोड है उसे खूनी रोड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है, कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जो कहीं ना कहीं पूरे मेवात में दहशत फैल देता है। डंफर्स को अब लोगों ने यमराज का नाम भी दे दिया है, यानी कि डंफर्स नहीं बल्कि ऐसे यमराज हैं जो किसी भी राह चलते शख्स की जिंदगी छीन सकते हैं। वैसे जो डंफर चलते हैं ये ओवरटेक भी करते हैं, तेज रफ्तार में चलते हैं और कभी भी किसी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में जरूरत ये है कि जितने भी डंफर चालक हैं वो गाड़ी को धीरे चलाए और अपनी सावधानी के साथ साथ सामने से आ रहे या फिर पीछे से आ रहे व्हीकल्स का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है, किसी के घर को उजाड़ सकती है, किसी के घर की चिराग को बुझा सकती है। क्योंकि जो खूनी रोड है वो अपने आप में छोटा है, बड़ी कंजेस्टेड टाइप से वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं और हल्की फुल्की साइड दबाने से या फिर हल्की फुल्की नज़रअंदाजी से, अनदेखी से कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से तेज रफ्तार से डंपर निकल रहे हैं और यही वो तेज रफ्तार है जो कहीं ना कहीं किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऐसे में जरूरत ये है कि डंफर के साथ साथ जो छोटी सवारी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ध्यान रखें कि आप कभी भी इनके शिकार हो सकते हैं और आपकी छोटी सी लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है।